हाय वर्स, मेरा नाम प्रवीण है और आज हम आपको बताएंगे उषा का लोटस मॉडल। आप देख सकते हो ये गुजरात सरकार की तरफ से दिया गया था गरीब लोगों को, हालांकि कोई गरीब होता नहीं है। तो ये बहुत गांवों में या फिर छोटी छोटी सिटियों में ये मॉडल ज़रूर पाया जाता है और इसका शॉप वाले मिनिमम 350 रुपये चार्ज करते हैं मशीन रिपेयरिंग का। तो मैंने ये सोचा कि चलिए वीडियो के माध्यम से कहीं भी अगर मेरा वीडियो जा रहा हो तो किसी का काम हो जाए। तो ये हो गई है मशीन जाम। ये जाम क्यों होती है वो हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो इसमें इसे हम खींच लेते हैं, ये निकल गया। मैं आपको इसमें मशीन में धागा टूटे तो भी बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो भले लंबा हो जाए क्योंकि लोटस का वीडियो बहुत कम आता है। ये उषा जनोमी का लोटस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, पहले तो मैं इसे सीधा कर दूँ, ये हो गया। आप देख सकते हो ये सटल है। पहले हम इसे ही इसकी डब्बी निकाल लेते हैं क्योंकि ये मशीन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये हर चीज़ के लिए मशीन पूरी खोलनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि आपको शॉप के धक्के बिल्कुल ना खाने पड़े, आपका पैसा और टाइम दोनों चीज़ें बचे। ये हमने निकाल लिया, हालांकि इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हफ्ते में आप एक दो बार ऑयल ज़रूर डालें। और ये शटल को भी निकाल लेते। आप देख अगर पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक धागा फंसा हुआ है, देख सकते हो आप। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा ही फंसा हुआ है क्योंकि ये जो कस्टमर मेरे पास आए हैं ये 5 किलोमीटर से आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इसके ऊपर भी वीडियो बना लेते हैं, उन कस्टमरों का भी काम हो जाएगा क्योंकि मेरा भी चार्ज वही है 250 रुपया। आपने देखा अगर धागा फंस जाता है तो धागा निकाल ले, और ये साफ करना भी आपने देखा बहुत आसान है। इसे मैंने वापस लगा दिया। आप ये ध्यान रखें कि ये मशीन एल्यूर मॉडल से कम नहीं है, जितनी टीचिस एल्यूर में है सेम टीचिस लोटस में भी है। तो चलिए आज हम आपको धागा टूटने की प्रॉब्लम बताएंगे इसमें, और अगर जाम हो जाती है तो जाम तो मैंने आपको बता दिया। ये डब्बी हमने देख लीजिए, डब्बी एक बार डब्बी की जगह पे आप एक छोटी सी खाच दी है, वहाँ थोड़ा सा पुश कर दें, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा साउंड होके डब्बी बैठ जाए। ये लगा दिया, अब हो गई मशीन फ्री। आप देख सकते हो मशीन फ्री हो गई। अभी हम इसमें देखते हैं छोटा सा, नॉर्मली मैं आपको डेमो दे देता हूँ अगर ये आपके पास पड़ी हो तो। बहुत लोगों के पास पड़ी होती है लेकिन चलाते नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें उषा की 11,000 की मशीन जो लोटस है सेम टीचिस है, उसमें जो टीचिस यहाँ है वही टीचिस उषा एल्लोर लोटस में है, एल्लोर में भी दी गई है। इसको कॉपी बनाई है उषा ने। इसमें धागा डालने का भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ से फिर यहाँ से लेके यहाँ से। इसमें आपका डेमो भी आ गया, धागा कटिंग भी आ गया। अगर आप धागा सही से लगाओगे तो धागा तोड़ेगी ये नहीं मशीन। और ये आप ध्यान रखें ये धागा एडजस्टेबल है, अगर ये दो पे रहेगा तो धागा लूज आएगा, नीचे से सिलाई ख़राब आएगी। अगर ये तीन पे रहेगा तो सिलाई थोड़ी बहुत अच्छी आएगी, थोड़ी थोड़ी ख़राब आएगी। इसे हमें हमेशा चार पे सेट रखना है। कभी कभी चार पे भी अगर सिलाई आपकी ढीली आ रही है तो आप आगे बढ़ा सकते हो। 9 तक दिया गया है, ये उषा ने ये 9 तक दिया हुआ है, देख लीजिए 9 तक दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखें इसे 4 पे ये नॉर्मली चलता है, और यहाँ पे उसकी सेटिंग है। लगाया हमने ज़्यादा, एक बार घुमा के धागा निकाल लेते हैं। ठीक है, आपका दोनों चीज़ें हो जाएंगी, डेमो का डेमो हो गया और सेटिंग की सेटिंग हो गई। तो आपको एक ही वीडियो में सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, आपको हर अलग अलग वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इसमें रिपेयरिंग भी हो गई और
सेटिंग और डेमो तीनों चीज़ें आ गई। आप देख सकते हो अभी हमने थोड़ा सा टाका छोटा कर देना है दो पर ब्लाउज के लिए, और ये लेंथ को लेंथ सेलेक्टर है ये, इसे हमें ए पे रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिजाइन ए से लेके जे तक दी गई है, इसमें देखिए डायल में भी जे तक दिया गया है, और ये तीन जो स्टॉप है काज बटन के लिए, गाज बनता है इससे। तो आप देख सकते हो ए से लेके जे तक और नीचे भी ए से लेके जे तक। तो पहले हम नीचे ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं, ए पे रखा, ये हमेशा ये एक एक्स्ट्रा नॉब दिया गया है विथ के लिए, इससे क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे नीडल इधर उधर घूमती है, आप देख सकते हो सेंटर से इधर उधर जाती है, देख सकते हो घूम रही है, ये नॉब से घूमती है। तो इसे हमें पाँच पे सेट कर देना है, और आप भूल जाइए इसको, एक बार पाँच पे रखने के बाद भूल जाइए। चलिए अभी हम सिलाई मार के देखते हैं, इसका भी एलोर जैसा कोई साउंड नहीं है बिल्कुल भी। सिलाई बेहतरीन आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो ओके अभी हम देखते हैं पिको सी, यानी के पिको आएगा, देख लीजिए ये पिको के डिजाइन देख पा रहे होंगे आप। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बाकी का तो आप समझ ही गए होंगे, मैं सिर्फ आपको बेसिक जानकारी देता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। तो आपने देखा सी किया तो सी की डिजाइन होगी, अभी मैं आखिरी बार आपको डी करके दिखा देता हूँ। ये डी है तो ये डी वाली डिजाइन आएगी, आप देख लो, क्योंकि जो यहाँ लिखा होगा वही यहाँ लिखा होगा। तो मैं आपको एक एक सिलाई मार के नहीं दिखाऊंगा, आपका कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे पता है कि टाइम की कीमत है आपकी, आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगा। आप देख सकते हो जैसी टीचिस याद दी गई है वैसी टीचिस याद दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है अभी हम, अगर हमें ये नीचे की टीचिस चाहिए, क्योंकि नॉब तो एक ही है, नॉब तो एक ही है, लेकिन टीचिस अगर अलग अलग दी है तो इसका कोई ना कोई दूसरा कारण है। आप देख सकते हो वन से लेकर फोर तक, और यहाँ गैपिंग दी गई है, तो इस गैपिंग को हमें एस एस पे कर देना है। ये हो गया एस प्लस, ये प्लस का निशान दिख रहा है, इसे हमें सेंटर में रख देना है, ये जहाँ था वही रहेगा, वापस हमें ये कर देना है। आप देख पा रहे हो, अब देखिए इसका कमाल, आप देख पा रहे होंगे तो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे तीन बार टाका इधर उधर जाएगा। जैसे आप आपको पता होगा कि जीन्स की जो जीन्स होती है, जीन्स में टाका जो होता है ना, वो तीन बार एक जगह होने के बाद आता है, और बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। आप देख पाओगे, आप देखिए बहुत मोटी सिलाई आती है इसमें, ठीक है। अभी हम करते हैं इसमें पिको करने की कोशिश करते हैं, इसका पिको कैसे आता है वो हम देखते हैं। तो चलिए इसका पिको देखिए, ये पिको से ज़्यादा डिजाइन दिखती है। अब इसमें और एक अच्छी चीज़ है, डी पे जो हमने ये डिजाइन गिराई थी ना, उसकी जगह पे डी पे ये डिजाइन है, तो इसका अलग ही लुक आता है। आप देख पा रहे होंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया लुक आता है इसका। आई एम सॉरी, धागा खत्म हो गया है, तो आपने देखा धागा हमारा थोड़ा खत्म हो गया था, तो मैंने चालू में काम बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। तो मैं, चलिए इसी बहाने हम आपको धागा भरना भी सिखा देते हैं, बॉबिन कैसे भरे। आप देख सकते हो ये बॉबिन को ऐसे रखें, बस नीचे पुश कर दे, और ये धागे को आप देखें यहाँ से लेकर, बस यहाँ से हमें इसे यू टर्न मार देना है और इसे घुमा देना है, ठीक है, और ये व्हील को पीछे खींच लेना। अब क्या है, सिर्फ मशीन घूमेगी, ठीक है, हमें कोई ज़्यादा धागे की ज़रूरत नहीं है, ये रख दिया,
और इसे हमें वापस पुश कर देना। तो चलिए जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं डिजाइनिंग करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा मैं। तो आप देख सकते हो ये डिजाइन सही है, तो आपने समझ में आ गया होगा ए से लेके जे तक कैसे डिजाइन होती है और एस एस पे रखने के बाद कैसे डिजाइन होती है, ठीक है। और आपने ये भी जान लिया कि धागा सिलाई अगर ख़राब आती है तो हमें क्या करना है, ठीक है। इसे चार पांच पे आप रख सकते हो, जितना टाइट नीचे से अगर लुक आ रहा है यानी कि नीचे से दाने दाने दिख रहे हैं तो ऊपर का हमें धागा टाइट करना है, ये ध्यान रखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नए प्रॉब्लम के साथ और नई मशीन के साथ। अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा ही पसंद आता है लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपका सिर्फ टाइम और पैसा दोनों बचाने के लिए आता हूँ। थैंक यू।